वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब आज हम आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार, खट्टा मीठा, रिफ्रेशिंग किस्म का टेस्टी शरबत लेके आए हैं। और रमज़ान की तो जान है ये, और गर्मियों में इससे ज़्यादा सुकून शायद ही कोई चीज़ आपको पहुँचाती हो। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो रेसिपी वो है आलू बुखारे और इमली के शरबत की। है ना मज़े का, बहुत ही मज़े का शरबत बनता है ये। तो चलें पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है आलू बुखारा, और उसको मैंने ओवरनाइट ये पानी में सोक कर दिया हुआ था। और ये देखें इतना नरम हो गया। अब इसको हल्का सा हमने मैश करना है, तो इसकी गुठलियाँ लैदा हो जाएंगी, ठीक है। और ये इमली ली थी मैंने, इमली 150 ग्राम ली है, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी होती है। और इसका भी हम पल्प थोड़ा सा मैश करके निकाल लेते हैं। और ये ली है मैंने 2 कप चीनी, ये वाले 2 कप, ठीक है। और 2 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें जाएगा काले नमक का। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि हमने ये आलू बुखारे और इमली को हाथों से अच्छी तरह से मसल के, तो इसका गुदा लैदा करना है और गुठलियाँ लैदा करनी है। और मैं ये काम करके फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें, ये इसमें से ये गुदा है हमारे पास, और ये सारी गुठलियाँ जो हैं आलू बुखारे की भी इमली की लैदा हो गई हैं। इसमें अब रेशे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे और फिर छान लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर जार में इसको ब्लेंड कर लें, नहीं तो बीटर से भी हो जाएगा। इसको अब हम छान लेंगे। ये देखें, ये पल्प हमारा बन गया। अब हम चाशनी बनाएंगे, और मज़ीद क्या करना है वो मैं आपको बता। इसमें हम पानी डालेंगे, 2 कप पानी लिया था मैंने, और 2 कप चीनी इसमें डाल देंगे। चीनी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पल्प डाल देंगे, चीनी डिसॉल्व हो गई है। पल्प डालेंगे इसके अंदर जो छान के हमने रखा हुआ है। अब जनाब हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है, और हमारा शरबत हो जाएगा रेडी। इसमें नमक भी डाल देते हैं, काले नमक से तो हर चीज़ का टेस्ट कमाल का हो जाता है जी। तो जनाब हमारा जो सिरप बन गया है इमली और आलू बुखारे चीनी का, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। ये देखें, अब इसमें हल्की सी थिकनेस आ गई है, और तार सी बनना शुरू हो गई है, और ये ठंडा होकर मज़ीद ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। आग हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करके मैं मिलती हूँ आपको जी। तो जनाब हमारा शरबत हो गया ठंडा, हो गया तकरीबन। और इसमें अब हमने इसको बनाना कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको बनाने के लिए जी लेंगे हम सबसे पहले आइस क्यूब्स, ये डालें इसमें आइस क्यूब्स। फिर डालेंगे हम इसमें शरबत, मम्मा मैं टेस्ट करूं, 3 से 4 चम्मच इसमें हम शरबत डालेंगे। आपने टेस्ट करना है। चलें जी, फिजा आपको टेस्ट करके बताती है। और डाल दिया इसमें पानी। और जनाब ये हमारा जो शरबत है ना, वो रेडी हो गया। ये लें जी, हमारा शरबत हो गया रेडी। चखना है आपने? ये लें जी। थैंक यू। आपने जो हमारी रेसिपी है ना, वो जरूर ट्राई करनी है, और फिर हमें फीडबैक भी जरूर देना है। और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, एंड लाइक करना है, और कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी या बुरी लगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे पॉजिटिव।